उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की जनता के विकास के लिए एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसी कड़ी में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अहम कदम उठाते हुए सीएम योगी ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाए और राज्य के प्राथमिक स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों के बीच जाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने हाथों से वहाँ मौजूद बच्चों को भोजन परोस कर खिलाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इस अभियान से जुड़े और सभी विधायक एक एक स्कूल को गोद लें और सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, मान्य सांसद, मान्य विधायक, विधान परिषद के मान्य सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम प्रधान, पुरातन छात्र, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे एक एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे उनमें से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो वह आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे पाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से देश के साथ प्रदेश में भी बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ा है, जिसके बाद फिर से शिक्षा के कमजोर पड़ रहे स्तर को गति देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। सरकार ने भी स्कूल चलो अभियान के लिए श्रावस्ती का चयन इसी वजह से किया है क्योंकि यहां पर सबसे कम साक्षरता दर है।